है ना। जी जी जी, एक भी शिकायत नहीं आई है बिल्कुल, और कोई आती भी हम वापस मंगवाते हैं अपनी जिम्मे। जी जी जी, अगले ने जो चारा डाला हुआ ठीक है, जो कीमत में लेगा अगले हम वापस मंगवा ले। ये आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी पशुपालक भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो एक और उम्दा नस्ल का मुर्रा पशुधन बेरी से सटे हुए गांव मांगावास से, और हैप्पी भाई आप यहां पे देख सकते हैं कि युवा पशुपालक हैं, प्रिंस डेयरी फार्म के नाम से भाई का नया नया काम शुरू हुआ। और जो पिछली वीडियो आपने देखी, फर्स्ट टाइमर मुर्रा झोटी जो सेल हो चुकी है और वो पंजाब चली गई है, तो भाई ने 1.35 की कोस्ट रखी थी और 1.35 में ही वो सेल हुई है। और दो और मुर्रा के पशुधन इनके डेयरी फार्म से मैं आप सभी पशुपालक भाइयों के सामने लेके आ रहा हूँ और मिलवाता हूँ मैं हैप्पी भाई से। तो नमस्कार हैप्पी भाई। नमस्कार भाई, कैसे हो आप? बढ़िया जी। पशुधन नया लेके आए हैं? हाँ जी, नया लेके आए हैं। जी आया जी। तो किसी व्यापार वर्ग के घर से लेके आए हैं या खुट्टे का? एक बार वो हमारे पशु खुट्टे के पशुधन है, एक ही घर से लेके आए हो? ठीक है, तो एक बार डिटेल्स मैं जानना चाहूंगा, डिटेल्स आप बता दीजिए, शुरू करते हैं यहाँ से। ये भाई साहब पंचायती पुल की है। पंचायती पुल की। हाँ। ब्याज कौन सा है? चौथी बार ब्याएगी भाई। चौथी बार, तीन बार ब्याज चुकी है, अगले ने बोला तीनों बार कटड़ी दी है। तीनों बार कटड़ी दी और चौथे बार देखो जी अब। तो ये पंचायती बुल से प्रेग्नेंट है? हाँ जी, पंचायती बुल से। दूध कितना हो सकता है भाई साहब? अगले ने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखा है, बोले आप 20 लीटर से अगर कम निकाले मेरे खुट्टे पे खड़े कर दिए। अच्छा, और बाकी आप देख सकते। आप क्या उम्मीद करते हैं भाई इसकी अंडर क्वालिटी और ये देख कर? कम से कम 22 प्लस। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ फोर्थ लैक्टेशन का मुर्रा पशुधन, और हैप्पी भाई ने बताया कि तीन ब्यांत तीनों बार जो है कटड़िया दी है, की बार पंचायती बुल से प्रेग्नेंट है। बाकी स्वभाव मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे सींग जरूर थोड़े से खुले हुए हैं, माथे में किसी तरह का कोई टीका वगैरह नहीं। एक मीडियम हाइट और लेंथ का मुर्रा पशुधन लेके आ रहा हूँ मैं प्रिंस डेयरी फार्म से। पूंछ में एक भी सफेद बाल नहीं, एक जो प्योर मुर्रा के कैरेक्टर होने चाहिए वो इनके पशुधन में है। चौड़े पुट्ठे, एक बार हैप्पी भाई इसको आगे लीजिए, चौड़े पुट्ठे। अडर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये अडर आप देख सकते हैं। अभी बच्चा देने में कितना समय बाकी है इसका? एक हफ्ता बाकी। एक हफ्ता, ये आप देख सकते हैं, एक हफ्ते का समय बाकी है। एक हफ्ते में अच्छा खासा लेवटी, अच्छा खासा अडर यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही काबिले तारीफ। मैं पहले ही मैं फिर बार बार रिपीट करता हूँ, हाइट लेंथ एक मीडियम हाइट लेंथ का मुर्रा पशुधन है, लेकिन भाई बता रहे हैं 20 लीटर दूध अगले ने बताया है, और उम्मीद करते हैं 22 अगर नहीं देगी तो 20 तो है ही है, 20 तो कहीं नहीं गया। अगले ने बोला अगर 20 नहीं निकाले मेरे खुट्टे पे ले आना। जी, ये आप देख सकते हैं। और तो हैप्पी भाई आप भी गारंटी लेते हैं दूध इतना निकालेगी भाई? देखो किस्मत की चीज है वैसे तो। जी, 20 का तो क्या पता अगला कैसा चारा डाले, कैसी मेहनत करे, बाकी 18 नॉर्मल डाइट में देगी। नॉर्मल डाइट में 18 किलो की अपनी जवाबदारी, फुल गारंटी, फुल बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं फुल गारंटी के साथ कह रहे हैं, 18 तो कहीं नहीं गया। और अगर मैं ऑर्डर इसका एक बार दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा ऑर्डर, एक हफ्ते का समय बाकी है, एक हफ्ते में अच्छी खासी लेवटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और स्वभाव अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं, काफी शांत स्वभाव, काफी अच्छा खासा, जितनी भी भाई की मैंने वीडियो कवर करी अच्छा पशुधन इनके डेयरी फार्म पे हर बार देखने को मिला। जी डाल दो जी, बैठा दो वहीं बैठी। तो हैप्पी भाई रेट हमारे पशुपालक भाइयों को बताना चाहेंगे? भाई साहब 1,20,000 1,20,000 रुपए की कोस्ट, कम ज्यादा हो सकता है? नहीं जी बिल्कुल फिक्स है, 1,20,000 रुपए की कोस्ट भाई ने रखी है। भाई कॉल करते हैं भाई 2,000 कम कर ले, 4,000 भैया हमने पहले ही मतलब जायज प्राइस रख दिया। जी जी, ये नहीं करना भाई 2,000 और कर ले 2,000, वैसे तो इसका मैं 1.5 लाख रख दूं, वैसे भी अगला 2-2 करके 1,20 पे जाएगा। जी जी, फिक्स प्राइस रखे भाई बिल्कुल। तो सींगों की क्वालिटी मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं सींग थोड़े से जरूर खुले हुए हैं, बाकी पशुधन में किसी तरह की कोई कमी नहीं। कमी है जी जी, जी और कहीं उंगली रखने की जगह नहीं। जी, अगर सींग अच्छे होते तो एक और अलग तरह का नायाब नगीना हम इसको कह सकते थे। तो एक पशुधन मैंने ये दिखाया जो फोर्थ लैक्टेशन में है, ये सेल के लिए उपलब्ध है, भाई ने जो इसकी कोस्ट रखी है 1,20,000 रुपए इसकी कोस्ट रखी है। एक और फर्स्ट टाइमर झोटी इनके डेयरी फार्म से है, मैं उसको भी कवर करना चाहूंगा।
और वो भी सेल के लिए उपलब्ध है, तो एक बार उसकी डिटेल्स और मैं जानना चाहूंगा हैप्पी भाई से। तो ये आप देख सकते हैं एक और फर्स्ट टाइमर मुर्रा का पशुधन हैप्पी भाई के डेयरी फार्म से। तो हैप्पी भाई डिटेल्स एक बार जरूर बताएं। ये भी भाई साहब पंचायती बुल्की, पंचायती बुल्की जी, एक ही घर से आई है भाई साहब, बिल्कुल देसी कुत्ते की है जी। और इस पे सीमन यूज करवा रखा है अगले ने, सीमन यूज करवा एचएलडीबी सीमन, जो अभी जो प्रेग्नेंट है एचएलडीबी सीमन से जी। एचएलडीबी सीमन से फर्स्ट टाइमर मुर्रा का पशुधन ये आप देख सकते हैं। स्वभाव में आपको दिखाना चाहूंगा और सींगों की क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम छोटे से छोटा रिंग सींग और सुंदरता यहाँ पे देखते ही बनती है। बाकी हाइट लेंथ अगर मैं कवर करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये हाइट लेंथ आप देख सकते हैं, काफी अच्छी खासी हाइट लेंथ का मुर्रा पशुधन एकदम। और पुट्ठे की चौड़ाई मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं। बाकी हैप्पी भाई बच्चा देने में अभी कितना समय बाकी है? इसका कम से कम 5 दिन बचे हैं। 5 दिन? 5 दिन बचे हुए भाई बता रहे हैं, 5 दिन बचे हुए हैं, एक हफ्ते का समय कह रहे हैं, हफ्ता 10 दिन वो तो पशु है पता नहीं चलता। अडर की क्वालिटी थोड़ा सा बाई जिसको हम बोलते हैं वो आप देख सकते हैं ठंडों में उतारी हुई है। बाकी ये भाई साहब बाई आ चुकी है इसमें जी, मतलब कभी तो इस साइड आ जाती है, साइड बैठती है तो जी जी जी, दूसरी साइड बैठ के दूसरी साइड चली जाती है। तो बाकी आने वाले समय में अच्छा खासा मुर्रा पशुधन, अच्छी खासी झोटी है तैयार होगी, पूंछ में सफेद बाल जरूर है यहाँ पे जी। झोटी भाई साहब ऐसे डाल दो कहीं खड़े रहो जी 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 जी, ये आप देख सकते हैं। तो हैप्पी भाई हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, दूध वगैरह क्या कुछ होगा वो एक बार और बताइए। कम से कम 15 किलो निकाल, 15 किलो दूध आराम से दे देगी जी। बिल्कुल पतला था भाई साहब ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्किन आप देख सकते हैं, दुधारू मुर्रा पशुधन के एक क्वालिटी होती है, दुधारू मुर्रा पशुधन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल बारीक चमड़ी का मुर्रा पशुधन, फर्स्ट टाइमर झोटी में आपको दिखा रहा हूँ, बेरी से सटे हुए गांव मांगावास से और प्रिंस डेयरी फार्म हैप्पी भाई की युवा पशुपालक है। अच्छा खासा मुर्रा का पशुधन हमेशा इनके डेयरी फार्म पे देखने को मिलता है। तो भाई इसकी क्या कॉस्ट रखी है एक बार वो और बताएं। इसका भी भाई साहब 1:20 फिक्स प्राइस है, 1,20,000 रुपए फिक्स प्राइस है। दूध की फुल गारंटी भाई साहब देखो, फर्स्ट टाइमर झोटी की कोई भी गारंटी नहीं होती जी जी, और हम थनों की फुल दिखाना इस चीज की गारंटी हम अपने फार्म से लेते हैं बिल्कुल देते हो जो हमारे। देखो जगले के ऊपर बात है जी जी, नॉर्मल केयर में तो 12 किलो तो कम से कम निकालना है जी जी, अगर अच्छी खासी केयर होगी तो 15 से नीचे नहीं रहेगी जी जी जी। ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो पशुओं का मेंटेनेंस है, रख रखाव, वो उसके ऊपर काफी कुछ मैटर करता है, क्योंकि रख रखाव के ऊपर बात है, अगर हम पशु की अच्छे से केयर करेंगे तो अच्छा खासा दूध यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भाई ने जुगाड़ी की बहुत अच्छी है जी जी, जुगाड़ी करती रहती, खाएगी जुगाड़ेगी जी, और अपना मस्त जी। ये आप देख सकते हैं, बता रहे हैं 1,20,000 रुपए इसकी कॉस्ट रखी है। तो ये पशुधन भी इनका सेल के लिए उपलब्ध है, जो भी इच्छुक बायर लेना चाहें, हैप्पी भाई के कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, जरूर इनसे संपर्क करें। और हैप्पी भाई एक बार संपर्क सूत्र और बताएं अपने। मेरा मोबाइल नंबर है 705-606-22-22-22 और गांव मांगावास तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा प्रदेश का मुर्रा पशुधन मैं आपको दिखा रहा हूँ। दांतों में कैसे है ये? चार दांत है जी, चार दांत ये देख सकते हो आप, चौथा दांत भी किया नहीं है, कोई बात नहीं रहने दो। ये आप देख सकते हैं चार दांत का मुर्रा पशुधन मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रिंस डेयरी फार्म से। फिर भी मैं अपने पशुपालक भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पशुधन जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाए कतई ना ले, क्योंकि काफी जगह मेरे को देखने को मिला थोड़ा सा धोखाधड़ी के हमारे पशुपालक भाई शिकार जरूर हो रहे हैं आजकल। तो कहीं ना कहीं हम हमारी जो मेहनत है उसकी गाड़ी कमाई को इन्वेस्ट करते हैं। सब आज तक जो भी पशु गया ना जी जी जी, एक भी शिकायत नहीं आई है बिल्कुल, और कोई आती भी हम वापस मंगवाते हैं अपनी जी जी जी। अगले ने जो चारा डाला हुआ ठीक है, जो कीमत में लेगा अगले हम वापस मंगवा। ये आप देख सकते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अच्छा खासा मुर्रा का पशुधन हमारे पशुपालक भाइयों को उपलब्ध कराते हैं, और किसी तरह की झूठ या किसी तरह की धोखाधड़ी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो आशा करूंगा आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी, मिलते हैं फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।